वन भूमि पर कब्जे नियमित करने की मांग को लेकर एसडीएम संगड़ा से मिले एफआरसी अरलू के पदाधिकारी। उपमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम को सौंपी गई 31 कब्जा धारकों की लिस्ट। एसडीएम ने नियमानुसार पंचायत अथवा ग्राम सभा के माध्यम से सभी दावे भेजने के निर्देश दिए। वन अधिकार मंच तथा एफआरसी पदाधिकारियों के अनुसार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार से भी मिला था अरलू के दलित परिवारों के कब्जे नियमित किए जाने का आश्वासन। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत वन भूमि पर कब्जे नियमित किए जाने की मांग को लेकर आज वन अधिकार समिति अरलू व वन अधिकार मंच सिरमौर का प्रतिनिधि मंडल एसडीएम संगड़ा से मिला और उन्हें 31 कब्जा धारक परिवारों की लिस्ट सौंपी। एफआरसी अरलू के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, महासचिव राजेंद्र व वन अधिकार मंच सिरमौर के अध्यक्ष धनीराम शर्मा ने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कब्जे नियमित करने के दावे करने वाले अरलू गांव के सभी 31 परिवारों के पास एक बीघा से भी कम भूमि है और इनमें से कई लैंडलेस फैमिली भी है। उन्होंने कहा कि महादलितों की इस बस्ती अथवा गांव के लोगों को इस क्षेत्र के विधायक रहे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत परमार से भी कब्जे नियमित किए जाने का आश्वासन मिला था, मगर तब से आज तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। एफआरसी पदाधिकारियों के अनुसार ग्राम सभा अथवा रेवेन्यू विलेज लेवल कमेटी द्वारा इन सभी 31 दावों को पारित किया जा चुका है और अब एसडीएम की अध्यक्षता वाली उपमंडल स्तरीय कमेटी द्वारा जिला स्तर की वन अधिकार समिति को भेजा जाना है। उन्होंने कहा कि गांव की जमीन आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में फॉरेस्ट लैंड होने के चलते जिला सिरमौर व उपमंडल संगड़ा की ऐसी बस्ती में पंचायत व अन्य संबंधित विभागों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्य भी कई जगहों पर नहीं हो पा रहे हैं। एसडीएम संगड़ा सुनील कायत ने बताया कि उनकी अध्यक्षता वाली उपमंडल स्तरीय वन अधिकार कमेटी को दरअसल सभी दावे सबूतों के साथ नियमानुसार ग्राम सभा व पंचायत के माध्यम से भेजे जाने हैं। उपमंडलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों तथा एफआरसी पदाधिकारियों को इस बारे जानकारी दी जा चुकी है और ग्राम सभा के दावे पहुंचने के बाद एसडीएलसी की बैठक में इस बारे चर्चा की जाएगी और उसके बाद सही पाए जाने वाले दावों को जिला स्तरीय कमेटी को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि उपमंडल संगड़ा के ऊपरी हिस्सों अथवा एप्पल बेल्ट में कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा बगीचे अथवा खेत बनाने के लिए कई कई बीघा वन भूमि पर कब्जे किए गए हैं और वन विभाग द्वारा ऐसे कई कब्जे हटाए भी जा चुके हैं। धनीराम शर्मा, अध्यक्ष वन अधिकार सिरमौर मंच। आज हमने भाटना भोजन पंचायत के अरलू गांव के 31 दावे एसडीएम साहब को सौंपे हैं, जिसमें से एसडीएम साहब ने खुद भी एक फाइल चेक की और उन्होंने कहा कि इसमें दो प्रूफ चाहिए जो आपने इसमें लगाए हैं और मतलब एक परिचय में उनका जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और हमें उम्मीद है कि ये जल्दी हमें इनको अरलू गांव वाले को इसका हक मिले। अरलू गांव में दलित वर्ग से सभी लोग रहते हैं और ये परमार के टाइम से लेकर वहाँ बसे हुए हैं और मतलब बहुत सारे लोग तो बिल्कुल लैंडलेस है और कुछ के पास एक बीघा दो बीघा ज़मीन है और कम से कम वहाँ 40 मकानों का एक गांव बसा हुआ है और जिसको लेके आज हम यहाँ एसडीएम साहब से मिले और उनको 31 दावे व्यक्तिगत के उनको अड्डू से बोल रहे हूँ कि हमारा जो जमीन का फैसला है वो होना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं एसडीएम को, एसडीएम में से बात करी कि हमें ये ज़मीन मिलने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत सालों से यहाँ पे खुदाई कर रहे और रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, अब तो हमारे को इसी जमीन से गुजारा कर रहे हैं। ग्राम कमेटी की मेम्बर है, इसमें सब हम जुड़े हुए हैं और आशा करती हूँ कि सब पब्लिकों का सहायता आपकी दुआ है और आप हमारा काम सफल हो जाए। कितनी पीढ़ियाँ होगी? तीन पीढ़ियाँ तो जी मेरी भी होगी उससे पहले। हाँ जी, इसकी जमीन को उससे पहले पाँच पीढ़ियाँ तो हो गई है। अच्छा जी, जमीन आपके नाम? मेरा नाम देविंदर सिंह, ग्राम अरलू से एफआरसी अध्यक्ष और आज हमने एफआरसी के तहत जो 31 दावे एसडीएम साहब को सौंपे हैं, हमें इसके ऊपर पूर्ण रूप से या विश्वास है कि ये हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा और हम जो एक पिछड़े वर्ग में आते हैं और हमारी जो पिछड़ी जो पंचायत है, हम काफ़ी सालों से इस चीज़ों को में झेल रहे हैं और हमें यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं होता है, जिसके कारण कि हम आज तक बहुत पिछड़े हैं और यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था है लेकिन
अगर पंचायत से या किसी ब्लॉक से या किसी नोडल एजेंसी से कोई विकास कार्य होता है वहाँ में रोक लग जाती है हमारे ऊपर, जिसके कारण कि हम बहुत पिछड़े हैं। हमारा सरकार से भी और प्रशासनिक से भी आश करते हैं कि ये हमारा कार्य जल्दी से जल्दी हो जाएगा। गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पो ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।